हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइट चैप्टर आपके JCERT क्लास 8 की बुक से जो चैप्टर 9 में अवेलेबल है। लाइट का मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश यानी कि रोशनी। साथ ही हम पढ़ेंगे किस प्रकार वस्तुएं दृश्य बनती हैं, वो हमें किस प्रकार दिखाई देती हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में। साथ ही हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती हैं। जब भी आप किसी ऐसे कमरे में प्रवेश करते हैं जहाँ पर लाइट बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको अपने आसपास मौजूद कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती। और जैसे ही आप बल्ब जलाते हैं या फिर कोई कैंडल जलाते हैं, तो आपको सारी चीज़ें आसानी से दिखाई देने लगती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन वस्तुओं को देखने के लिए, इन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए आपको लाइट की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। अगर लाइट ना हो तो कोई भी चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी। जब लाइट की किरणें यानी कि प्रकाश की किरणें इन वस्तुओं पर पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर, परावर्तित होकर जब ये हमारे आँखों तक पहुँचती है, तो सारी चीज़ें हमारे लिए विजिबल हो जाती हैं, सारी चीज़ें हमें आसानी से दिखाई देने लगती हैं। चलिए सबसे पहले हम परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन को समझते हैं। रिफ्लेक्शन को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग लेंगे। जब भी आप किसी बॉल को किसी वॉल के ऊपर उछालते हो, तो वो बॉल उस वॉल से टकरा कर वापस आपके हाथों में आ जाती है। ठीक उसी प्रकार जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी सोर्स से निकल कर किसी वस्तु पर पड़ती है, तो वो किरण फिर उस वस्तु से टकरा कर आपकी आँखों तक वापस पहुँच जाती है, जिसके कारण वो वस्तु आपको दिखाई देने लग जाती है। ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस जो है वो परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन कहलाता है। चलिए अब आते हैं प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तुओं की तरफ। प्रदीप्त वस्तुएं हम लोग ऐसी वस्तुओं को कहते हैं जिनका खुद का प्रकाश होता है, यानी कि जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे कि सूर्य, तारे, बल्ब, आग और मोमबत्ती। ये सभी प्रदीप्त वस्तुओं के उदाहरण हैं। चलिए अब पढ़ते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स यानी अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स यानी कि अप्रदीप्त वस्तुएं हम ऐसी वस्तुओं को कहते हैं जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता, वो किसी और वस्तु का प्रकाश लेकर चमकते हैं। हमारे आसपास अधिकतर वस्तुएं जो मौजूद हैं वो अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। अप्रदीप्त वस्तुओं को हम तभी देख सकते हैं जब प्रकाश उन वस्तुओं से परावर्तित होकर हमारी आँखों में प्रवेश करता है, यानी कि उन वस्तुओं से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों तक पहुँचता है, तभी हम उन वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक उसी प्रकार चंद्रमा भी सूर्य से रोशनी पाकर चमकता है। चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता और हमारे ग्रह प्लैनेट्स वो भी सूर्य का प्रकाश लेकर ही चमकते हैं, उनका भी खुद का प्रकाश नहीं होता। इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। प्रदीप्त वस्तुएं यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनका खुद का प्रकाश होता है और अप्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता, वो किसी और वस्तु के प्रकाश से चमकते हैं। उदाहरण, एग्जाम्पल, चंद्रमा, ग्रह, लकड़ी, पुस्तक, मानव, दर्पण, दीवार इत्यादि। चलिए अब पढ़ते हैं परावर्तन के नियम यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। परावर्तन के पहले नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं। बच्चों, सोर्स ऑफ लाइट से यानी कि प्रकाश के स्रोत से जो किरण प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण पर गिरती है, उसे हम आपतित किरण कहते हैं। और यही किरण जब उस समतल दर्पण से टकरा कर वापस लौटती है, तो उस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं।
और इन दो किरणों के बीच में हम एक रेखा को की कल्पना करते हैं जिसे हम अभिलंब कहते हैं। ये रेखा इन दोनों किरणों को आपस में बराबर बराबर कोणों में बांटती है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहते हैं और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, यही इसका दूसरा नियम है। परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तित कोण आपस में बराबर होंगे, यानी एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। एंगल आई जो है वो आपतन कोण को प्रदर्शित करता है और एंगल आर जो है वो परावर्तन कोण को प्रदर्शित करता है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रहा होगा और इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आपको समझाया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ प्रश्न आपको देने जा रही हूँ, इन प्रश्नों के उत्तर आप सभी अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहला प्रश्न है, प्रकाश क्या है? दूसरा प्रश्न है, आपतित किरण से आप क्या समझते हैं? तीसरा प्रश्न है, परावर्तित किरण से आप क्या समझते हैं? चौथा प्रश्न है, आपतन बिंदु से आप क्या समझते हैं? और सबसे अंतिम प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम बताएं जो मैंने सबसे अंत में आप लोगों को समझाया था। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो पसंद आने पर आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं समझ सकूँ कि ये वीडियो जो है आपको आपके लिए यूज़फुल रहा है और इससे भी अच्छे वीडियोज़ लेकर मैं आगे भी आप लोगों के लिए आ सकूँ। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे। अच्छे से पढ़िए। गुड बाय।